हेलो गाइस एंड हेलो आर्मीज। तो बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ है। तो फाइनली BTS कमिंग इन इंडिया आफ्टर कोरोना पैंडेमिक एंड, मतलब कोरोना का एंड होते ही BTS जल्द ही आने वाली है। तो सबसे पहले सेव योर पॉकेट मनी, अपना पैसा बचाओ। जो लोग कॉन्सर्ट के लिए आना चाहते हैं तो वो लोग अपना पैसा सेव करना चालू कर दे। तो ये अनाउंस किया है KCC के डायरेक्टर ने, जो कोरियन कल्चर के डायरेक्टर है, उनने अनाउंस किया कि BTS जल्द ही कोरोना वायरस के एंड होते ही आ सकती है, जल्द ही हमें परफॉर्म करते देखने मिल सकती है। तो उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। Finally, BTS encouraged Indian K-pop lovers and army with their exceptional congratulatory message in this year. I'm sure that you will meet BTS right after corona pandemic. I'm sure that India will be the first destination for BTS on their next round of world tour. Finally, तो ये सब इसलिए हुआ कि डायनामाइट सॉन्ग रिलीज होते हैं, इंडिया के इंडियन आर्मी ने इतना लव दिया डायनामाइट सॉन्ग को, वो देख के BTS ने भी हर बार इंडिया को मेंशन किया है और इंडिया के पावर को वो समझ गए कि इंडियन आर्मी की पावर कितनी ज्यादा है। ये सब को देख के फाइनली अनाउंसमेंट हो गया है कि BTS जल्द ही आएगी, बस ये कोरोना जल्द ही चला जाए। बजाओ ताली। तो BTS का वर्ल्ड टूर सबसे पहले इंडिया में होगा, ये तो फाइनल हो चुका है कि बहुत ही जल्द इंडिया में ही BTS का कॉन्सर्ट होगा। इतनी खुशी तो जो लोग जाना चाहते हैं वो पॉकेट मनी सेव कर। अब मुझे पता नहीं कहाँ होगा, मुंबई में होगा कि दिल्ली में हो। कोरोना पैंडेमिक एंड के बाद वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि ये डेट भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, सारी चीज़ें अनाउंसमेंट तो हो ही जाएगी। मतलब मुझे तो चांस लगते कि मुंबई में ही होगा, ज़्यादातर यही आसार लग रहे हैं कि मुंबई में ही होगा, बट दिल्ली में थोड़ा कुछ आसार लग रहे हैं क्योंकि दिल्ली में भी बहुत बड़ी आर्मी है। ऐसे तो मुंबई में ही होगा मुझे लगता है, शायद, मैं कोई कंफर्म अभी कह नहीं रहा, वो तो कंफर्म हो जाएगा। बट मैं बता दूं कि कितने लोग जा सकेंगे और कोई लोग नहीं जा सके, क्योंकि तुम जानते हो कि बहुत सारी यंग आर्मी भी है जो जिनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते, जो नहीं जा सकते, तो उन लोगों का फिर क्या। उन लोगों के लिए भी शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टेलीकास्ट हो BTS का कॉन्सर्ट। आप सभी को पता है कि BTS का कॉन्सर्ट कितना बड़ा होता है, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेलीकास्ट होता है बहुत सारी जगह, Mnet करता है, जैसे कि जापान में कॉन्सर्ट हुआ तो Mnet ने किया था, क्या पता इंडिया में भी Mnet करे शायद का सोशल मीडिया पे। Mnet नहीं तो रोलिंग स्टोन इंडिया भी कर सकता है टेलीकास्ट इंडिया के लिए। तो ये जो लोग नहीं आ पाएंगे बेचारे जो कॉन्सर्ट के लिए, तो ये उनके लिए बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा होगा अगर ऐसा कोई कॉन्सर्ट हो, देखने को तो मिल जाएगा ना। तो आई होप हो, 100% तो मैं नहीं बोल सकता, बट हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नेपाल से भी बहुत सारे आर्मी से, बांग्लादेश से भी है, पाकिस्तान से भी है, श्रीलंका से भी है, वो नहीं आ सकते इंडिया। कुछ लोग आ भी सकते हैं, बट जो नहीं आ सकते उनका क्या, इसके लिए उन्होंने टेलीकास्ट हो, आई होप हो, होना ही चाहिए। तो जल्दी BTS इंडिया आएगी तो बैग पैक करना चालू कर दो, ये आ रहे ना वही खुशी की बात है। तो जो लोग नहीं जा सकते उसको उदास मत रहिए, होप ही सकी, दुनिया में हर चीज हमें नहीं मिल सकती, जो मिल रहा है उसमें हैप्पी रहना चाहिए, ओके ना। बस और कुछ नहीं, अपना ख्याल रखे, अगर नहीं जा सकते तो टेंशन मत लीजिए, ओके ना, होगा शायद टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग पे, ओके ना। तो बस आज के लिए इतना ही, आई पर्पल यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच 10K सब्सक्राइबर्स के लिए, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।